आज हम लोग फर्स्ट ईयर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण मीन्स आवर सारणी। तो इस चैप्टर में क्या है, हम मेनली ये पढ़ेंगे कि जो एलिमेंट्स आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि पीरियडिक टेबल में रखे हुए हैं, ठीक है, तो बहुत से साइंटिस्टों ने तत्वों को क्रमबद्ध और सरल रूप में व्यवस्थित करने के लिए पहले बहुत प्रयास किए थे, तो बाद में सब निकल के आया था। तो जो एलिमेंट्स जब खोजे गए, बहुत सारे एलिमेंट्स जब खोजे गए, तो उनको ये सोचा गया कि उनको एक सीरीज़ में या एक ऑर्डर में इस तरह एडजस्ट कर दिया जाए जिससे उनको पढ़ने और पहचानने में सरलता मिले। तो इसी कारण हमारा आवर सारणी टेबल हमारी बनी थी। तो इसमें सबसे पहले जब आवर सारणी हमारी बनाई गई, ठीक है, तो आवर सारणी में सबसे पहले जो एलिमेंट्स मिले उनको कैसे कैसे डिवाइड करके रखा गया, सीधे ही हमारी आवर सारणी नहीं बन गई थी पीरियड टेबल, उसको पहले डिवाइड किया गया, कई मेथड उसमें लगाए गए। तो उन्हीं में ही पहला मेथड था जिससे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था, वो मेथड था डिवीजन इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मीन्स पहले जो इसको डिवाइड किया गया था तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया था। तो इसमें फर्स्ट टाइम में बर्जीलियस ने इसको क्लासिफाइड किया था एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल के बेस पर, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बेस पर इसको, इसमें काफ़ी चीज़ें देखी गई जैसे धात्विक चमक देखी गई, ऊष्मा चालकता देखी गया, विद्युत चालकता देखा गया, एसिडिक बेसिक नेचर देखा गया। तो इस बेस पर इनको डिवाइड किया गया, सबसे पहली बार में इसको इन तरह से इसमें डिवाइड किया गया, ठीक है, जैसे धात्विक चमक, मेटालिक लस्टर, दूसरा हमारा था उच्च ऊष्मा चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्ड उच्च विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इन सब एक और जैसे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति। तो इस तरह पहले मेटल और नॉन मेटल में इसको डिवाइड किया गया था, लेकिन इसके बाद कुछ और भी साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इसको डिफरेंट तरह से जो एलिमेंट थे उनको डिवाइड किया। तो उनके बारे में समझते हैं कौन थे। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिन्हें कहा गया था डोबे राइनर ट्राइट रूल कहा गया था। तो ये क्या था, इन्होंने कैसे एलिमेंट्स को डिवाइड किया था, लेकिन हमारा जो मेन परफेक्ट जो बैठा था वो पीरियड टेबल में बैठा था, लेकिन पीरियड टेबल से पहले इन सब ने एलिमेंट्स को डिवाइड करने की कोशिश की थी। सेकंड है हमारा डोबे राइनर, डोबी राइनर का त्रिक सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि तीन एलिमेंट ऐसे लिए जाएं जैसे मान लो कि कैल्शियम हो गया, स्ट्रॉन्शियम हो गया, बेरिलियम हो गया। तीन एलिमेंट ऐसे लिए जाएं जिनमें पहले और तीसरे के जो एटॉमिक वेट है, अगर इनका एवरेज निकाला जाए तो इनका एवरेज बीच के एटॉमिक वेट के इक्वल आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जैसे इसका होता है 7, इसका होता है 39। अगर हम इनके एटॉमिक वेट का एवरेज निकालें, जैसे इसका हो गया 39 + 7/2, तो ये हमारा कितना आ गया 23, बीच के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो ये था डोबे राइनर ट्राइट रूल। तो इन्होंने क्या पॉइंट बताया था कि
तीन एलिमेंट सेम प्रॉपर्टीज़ के ऐसे लिए जाएं जिनमें पहले और तीसरे का एटॉमिक वेट का अगर हम एवरेज निकालें तो वो बीच के एटॉमिक वेट से क्या कर जाए, मैच कर जाए। लेकिन इनका भी रूल ज़्यादा समय तक नहीं चला था। तीन सेम प्रॉपर्टी के कभी कभी एलिमेंट लेते थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती थी लेकिन एवरेज बीच में इक्वल नहीं होता था, कभी कभी प्रॉपर्टीज डिफरेंस हो जाती डिफरेंट हो जाती थी, तो इसलिए इनका भी ये रूल नहीं चला था। अगर इनको हम डिफाइन करें, इनकी डेफिनेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा, द एटॉमिक मासेस ऑफ मिडिल एलिमेंट इन ईच ट्राइड इज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। मीन्स इन्होंने पॉइंट ये बताया था कि तीन समान प्रकृति के तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि पहले और तीसरे के परमाणु भार का औसत मध्य के परमाणु भार के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये था डोबेराइनर ट्राइड रूल। इसके बाद आए थे न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अपना रूल दिया था, इसे न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल कहा गया। तो इसमें जो इन्होंने दिया था क्या था हमारा, न्यूलैंड ऑक्टेट रूल थर्ड, न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल। अब इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जो तत्व होते हैं उनको उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित करें, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में इस तरह व्यवस्थित करें कि प्रत्येक आठवें तत्व के गुण प्रथम तत्वों के गुणों से मिलें। मीन्स जो एर्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो उसकी पहली प्रॉपर्टी को से मैच करेगी। एलिमेंट अरेंज ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स एटॉमिक वेट, एर्थ एलिमेंट सो सेम प्रॉपर्टी टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब इनके एटॉमिक वेट देखें तो इनको सबको एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया। इसका 7 होता है, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35.5। ठीक है, इनको एक ना से देखा जाए, जैसे हमारा एक रूल चलता है म्यूजिकल नोट्स जो होते हैं सारे गामा, अगर हम सारे गामा देखें तो जैसे यहाँ पर लिखें सा री गा मा पा धा नी और फिर से हमारा क्या रिपीट होगा सा, तो ये इसी रूल के अकॉर्डिंग चलता है। अब इसमें यही पॉइंट कहा गया कि एर्थ एलिमेंट वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो इसका पहली प्रॉपर्टी शो करता है। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। मीन्स ये वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो ये, मतलब ये मेटल है, ये भी मेटल है, ये ऑक्साइड बनाएगा, ये भी ऑक्साइड बनाएगा, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए। यहाँ से अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स 8 एलिमेंट अपनी वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो इसका फर्स्ट एलिमेंट शो कर रहा है। ठीक है, जैसे सारे गामा पाधानी फिर से सा आया तो ये उसी के अकॉर्डिंग इसको रखा गया था। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर प्रत्येक आठवें तत्व के गुण प्रथम तत्वों के गुण से मिलते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा क्या था, न्यूलैंड ऑक्टेट रूल। इसको अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो हो जाएगा, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड एट एर्थ एलिमेंट एलिमेंट प्लेस्ड एट फर्स्ट पोजिशन हैज प्रॉपर्टीज। सिमिलर एट एलिमेंट्स मीन्स इसमें भी वही पॉइंट बताया गया है कि इतना से भी लिख सकते हैं, एलिमेंट्स अरेंज इट सेल्फ ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स एटॉमिक वेट, सो एट ईच एट एलिमेंट सो सेम प्रॉपर्टी टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल था। नेक्स्ट क्लास में भी बताएंगे इसमें मेंडलीफ के बारे में बताएंगे कि मेंडलीफ ने कैसे प्रोडक्ट टेबल बनाई थी, इसमें पीरियड और ग्रुप के बारे में क्या बताया था।